सारे बंदे चौपटा के होटल होटल, अब खाना क्या खाएंगे ये देखो। बहुत ही पतले पतले रोड बंद कर दे। कितने पतले पतले रोड है। और हम अब जा रहे हैं वापस अभी बद्रीनाथ जी से, और देखते हैं चौकटा जाएंगे या फिर दूसरी कौन सी थी, जोशी मठ या वहाँ जाएंगे। अब देखेंगे क्योंकि अभी 104.5 किलोमीटर है, 138 किलोमीटर है यहाँ से चौपटा। और बहुत ही हसीन वादियाँ भाई मैंने ले लिया है। हिमाचली टोपी में दोनों भाई, हिमाचली टोपी दोनों भाइयों ने ले लिया है। सब्जी वाली टोपी हिमाचली, सब्जी वाली नहीं है, हिमाचली टोपी। और पीछे संस्कार अपना टोपा पहन के बैठा है क्योंकि उसे लगी थी ठंड, बहुत ज्यादा ठंड। और हुआ ऐसा कि हम अभी गए थे कौन सा लास्ट गांव था, वो माना गांव में। तो हमने सोचा कि सारे साथ चलेंगे, तो हमारा जो ग्रुप है वो 9 लोगों का ग्रुप है। पीछे बैठे अखिल भाई और संस्कार, और हम इस गाड़ी में 4 ही लोग हैं, और जो आगे गाड़ी जा रही है हमारी उससे 5 लोग हैं। 4 सीटर में 5 बंदे बैठे और 7 सीटर में 4 बंदे। सो अब हम तो निकले, फिर संस्कार बोला मैं तो सोऊंगा, मैं तो जाऊंगा नहीं वहां पे क्योंकि मेरी बस की नहीं है, तबीयत खराब हो रही है। और भाई साहब सबसे ज्यादा सोए वैसे इस ट्रिप पे, पर इसको हो सकता है कि थकान हो रही हो जिसकी वजह से नहीं जा पाया, पर हम वहाँ पे गए, हमने बहुत ज्यादा तूने मिस कर दिया, वह बहुत बढ़िया था। बताओ भैया निशंदे कैसा था वहाँ पे? जबरदस्त मेरे भाई, जबरदस्त। लास्ट दुकान पे भाई पकौड़े खाए, मजा आ गया। आप पूरे ब्लॉग में देख लेना होगा, आपने देख ही लिया होगा। पकौड़े भाई अल्टीमेट भाई, और ठंडी ठंडी हवा, और उसकी जो चाय थी ना, चाय में अलग ही सही फ्लेवर आ रहा था। मतलब मैंने पहली बार ऐसी चाय पी, मतलब बहुत बढ़िया फ्लेवर सा था चाय के अंदर, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं 2 बार पी चाय, मैंने क्या सभी ने। और दिखाता हूँ आपको वाटरफॉल, ये देखो गाइस, ये हमारी जो रेड वाली गाड़ी है भी हमारी है, और यहाँ वाटरफॉल हो रखा है बढ़िया टनाटन। और यहाँ से गाड़ियाँ, ये ऊपर से बर्फ पिघल रही है ना, वो पानी आ रहा है। ये देखिए गर्मी का मौसम, मतलब मौसम अभी वैसा नहीं है ना। और सभी ने भाई बहुत सारे पकोड़े खाए, चाय पी 2-2 बार, और उसके लिए फिर बाद में संस्कार की गाड़ी में था, हम उसके लिए मैगी ले आए। तो उसको मैगी कैसी लगी पूछ, कैसी लगी तुमको मैगी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मजा आया मैगी खा के? पहाड़ों की मैगी की वैसे भी बात अलग ही है, और स्वाद मैगी बनाते हैं यहाँ पे। बात पता क्या है, बात होती है जगह जगह की। हम भाई स्वाद वाली बात नहीं, पहाड़ों पे आओ मैगी और चाय ना लो ना लो, तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ, बात होती है जगह की। हम घर पे मैगी बना खाएंगे उतना मजा नहीं आएगा, पर हमने यहाँ पे मैगी खाई तो वो सिंपल सी मैगी बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है, क्योंकि यहाँ का जो नेचर है ना, नेचर के हिसाब से, मतलब मौसम के हिसाब से, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी लगती है सारी चीजें। तेरे मुंह में गुटखा नहीं, तू बोल नहीं रहा ज्यादा। भंडारी की पूड़ी भी खा ली भाई इन्होंने, मैगी सबसे ज्यादा इन्होंने खाए, पकोड़े सबसे ज्यादा खाई है इन्होंने, अखिल भाई ने मतलब क्या था वो चटनी, अरे चटनी भी चबाई तुमने, वो पकोड़े, पकोड़े और ब्रेड पकोड़े भी खाए, मैगी भी खाई है, मोमोज भी खाने की चक्कर थे। और इन्होंने फिर उसके बाद में भंडारा बीच में था, तो 3 तरह की सब्जी थी उसमें, भंडारा भी पेला, एक पूड़ी, हाँ एक पूड़ी, और चावल कौन खाया था, थोड़े चावल। तो भाई साहब अब कह रहे हैं कि मेरा पेटा थोड़ा सा अजीब अजीब सा हो रहा है, कोई बात नहीं हो जाएगा सही, गोली पड़ी है मेरे पास। देखो गाइस हम कितने ऊपर है, वो रोड दिख रहा है तुम्हें नीचे, वहाँ पे जाना है हमें, इतनी ऊपर से इतनी नीचे। या तो तू इतनी मिर्च खाता नहीं, उस चक्कर में हो रहा है। रात का हो रहा है टाइम 10:08, और हम जा रहे हैं चौपटा, और नो नेटवर्क जोन स्टार्ट हो चुका है,
और वार्निंग भी दे दी उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स की, सिंगल रोड है, अगर कोई सामने से आता तो बचाने बहुत मुश्किल होगी। और बहुत ही शानदार है, रात में दिख नहीं रहा, मतलब अगर दिन में हम आएंगे तो बहुत शानदार जगह है। और बहुत बढ़िया रोड बने हुए हैं, बहुत शानदार रोड बने हुए हैं। और अभी 22 किलोमीटर और रोड बहुत सुंदर बना रखे हैं, अगर दिन में आएंगे ना वीडियो जरूर दिखाऊंगा आपको, बहुत सुंदर व्यू है। सो गाइज हम पहुंच गए हैं चोपटा और रात के बजे 11:03 और चोपटा पहुंच गए। ठंड बहुत है और बहुत ही ऊंचे पे है ये, सो बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ तो सब कुछ बंद हो गया, ढाबे वाबे सब बंद पतीले रखे हैं बाहर, ढाबे बंद हो गए सारे, बंद है चोपटा के होटल वोटल। अब खाना क्या खाएंगे ये देखो। सो गाइज पहुंच गए चोपटा और यहाँ पे एक एक रूम, एक एक हर चीज, एक एक बंदे से पूछ लिया, कोई कमरा खाली नहीं है, कोई कुछ खाली नहीं है, सारे लोग अपनी गाड़ियों में सो रहे हैं जो भी थोड़े बहुत आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है और खाने की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। 11:30 हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप आओगे लेट नाइट तो बिल्कुल भी मत आना, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। यहाँ पे कोई स्टे करने की है ही नहीं सुविधा। यहाँ तो ये है कि आप अगर 8 बजे से पहले पहले आ गए तो आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे परेशान हो जाओगे। हम अपनी गाड़ियों में सोएंगे रात को और सुबह देखेंगे कैसे नहाएंगे, कैसे फ्रेश होंगे, सब कुछ बहुत बड़ी समस्या है। फिर उसके बाद सुबह दर्शन करने भी जाना है। और यहाँ पे लोग मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे 4,000 रुपये पर रूम के मांग रहे हैं, जिसमें रूम में ना तो वॉशरूम है और कुछ भी अटैच नहीं है, सिर्फ एक उसमें नीचे गद्दा डाला हुआ है और उसके 4,000 रुपये मांग रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। सो गाइस देखो मैगी बन रही है, रोड पे ही मैगी बना रहे हैं और रोड पे याद कर आप तो गाड़ियों में सोना होगा और रोड पे खाना होगा। वो तो सही है कि हम सिलेंडर लेके आए थे साथ में, तो मैगी बन रही है रोड पे ही, सारे डिस्पोजल वगैरह सब कुछ है और बहुत बढ़िया। अब खुशबू तो अच्छी आ रही है, बाकी देखो इसी टाइम चला पास करना पड़ेगा।